हाय वीवर्स, आप देख रहे हैं मैं और मीट्स कुकिंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लड्डू, मखाने के लड्डू बनाने वाले। बहुत ही हेल्दी होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए, जो भी हमारी बॉडी में पेन होता है उसके लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी। तो ज़रूर बनाइए इस तरह के लड्डू। आपने शेंगदाने, तिल के लड्डू तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन मखाने वाले लड्डू नहीं बनाए होंगे। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आज यूज़ किए हैं बहुत ही हेल्दी है, तो ज़रूर बनाइए इस तरह के लड्डू। तो मखाने वाले लड्डू की रेसिपी हम अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने घी लिया है 2 टेबल स्पून, बादाम लिए हैं 150 ग्राम, और शेंगदाने लिए हैं 500 ग्राम, तिल लिए हैं 500 ग्राम, और गुड़ भी लिया है 500 ग्राम, और मखाने लिए 100 ग्राम। हमें तिल और शेंगदाने और गुड़ की क्वांटिटी सेम रखी है, बाकी मखाने बादाम की क्वांटिटी को हमने कम रखा है। तभी ये सब चीज़ें हमें लड्डू बनाने के लिए लगेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम जो शेंगदाने हैं वो भूनने के लिए डाल देंगे। तो अब हम ये 500 ग्राम शेंगदाने भून लेंगे अच्छी तरह। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इन्हें, जो पीनट डाले हैं हमने इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो अगर ये ज़्यादा भून लेंगे तो कड़ू हो जाएंगे और हमारे लड्डू भी कड़ू लगने लगेंगे। बस इनके छिलके निकल जाएंगे और एक सोंधी सी खुशबू आ जाए, बस उतना भून ले। हमारे शेंगदाने भून के रेडी हो गए हैं, पीनट हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें तिल डालेंगे। तिल को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा भूने तो ये कड़वी हो जाती है। तो बस ये फूल जाए बस उतना ही हमें भून ले। बस चलाते रहिए और भून लीजिए, बिल्कुल हाथ चलाना है हमें, रोकना नहीं है, भून लेना है। हमारी तिल भी भून चुकी है, अब इसमें हम मखाने ऐड कर दें। मखाने हमारे नर्म होते हैं, इन्हें बस इतना भूने कि ये कड़क हो जाए। मखाने भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब इस पैन के अंदर हम बादाम को ऐड कर देंगे। बादाम भी हमें अच्छे से भून लेना है, गोल्डन ब्राउन कलर आए उतना। हम बादाम भी हमारी अब अच्छे से भून चुकी है, अब इसे भी निकाल लेंगे। और जो हमने शेंगदाने भुने थे तो बस उसके छिलके हम निकाल लेंगे और उन्हें उसको एक मिक्सी जार में हाफ हाफ क्वांटिटी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। हमें ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, मोटा और बारीक टेक्सचर रखना है, पाउडर भी और मोटा भी। तो इसी तरह पीसे, इसी तरह हमारी तिल भी पीसना है कि हमें पाउडर भी मिले और खाने में तिल और शेंगदाने का टेस्ट भी आए। बस इस बात का ध्यान रखें, हाफ हाफ क्वांटिटी में हमें मिक्सी जार में डालना है और अच्छे से पीस लेना है, मोटा बारीक पीसना है हमें तिल और शेंगदाने को। तो हमारी तिल भी अच्छे से पीस चुकी है, अब इसमें हम मखाने डालेंगे। मखाने का हम फाइन पाउडर बना लेंगे, इसको हमें मोटा नहीं पीसना है, फाइन पाउडर बना लेंगे। बस थोड़ा सा मोटा होगा लेकिन पाउडर ही होगा। तो बस मखाने को हमने मिक्सी जार में ऐड कर दिया है, अब हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। हमारा फाइन पाउडर बन चुका है, अब हम इसके बाद इसको दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह। देखिए पूरा पाउडर है। अब हम इसमें आलमंड डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, बादाम का भी हमें पाउडर ही बनाना है, बादाम को मोटा नहीं रखना है। देखिए फाइन पाउडर हमारा बन के रेडी हो गया है बादाम। अब हम एक पैन गैस पर रखेंगे, उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और घी को गर्म होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें जो हमने गुड़ लिया है गुड़ को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें घी में ही गुड़ को मेल्ट करना है, गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है हमारा जो गुड़ है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पर हम 2 टेबल स्पून या आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। गुड़ हमारा ज़्यादा नहीं पकाना है और गुड़ के पहले से ही हमें अच्छे से कूट लेना है या ग्रेट कर लेना है ताकि हमारा गुड़ मेल्ट जल्दी से हो जाए और ज़्यादा गाढ़ा ना हो। एक कप लेना है या बाउल लेना है, उसमें हमें गुड़ डालना है, वो नीचे ही यानी नीचे ही रह जाएगा, यानी हमारा गुड़ लड्डू के लिए परफेक्ट है। अभी हमारा गुड़ पूरी तरह अच्छे से रेडी हो गया। अब इसमें हमने शेंगदाने का पाउडर, तिल का पाउडर और इसके बाद हमने मखाने का जो पाउडर फाइन पाउडर बनाया है वो और बादाम, ये चारों को ऐड कर देना है।
और अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो हमारे लड्डू कड़क हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि गुड़ हमारा परफेक्ट बने। और बस जो हमने शेंगदाने और तिल को भुनना है, बस ये दो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए तो आपके एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। इसमें ज़्यादा ना घी होता है ना कुछ होता है, बस गरम गरम ही इसे बनाना होता है। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे गरम गरम में ही, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिए थे गुड़ जब हमारा पक गया था, और उसके बाद हमने ये इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। फ्लेम हमें ऑन नहीं रखना है, बंद ही रखना है। हमारा जो मिक्सचर था अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैंने ये गरम गरम ही मिक्सचर होता है, इसके लिए पानी और घी लिया है। घी से अभी हम मैंने हाथ को ग्रेस कर लिया है, पहले पानी लगा लिया ताकि हाथ जले ना। इसके छोटे छोटे ही लड्डू बनाऊंगी मैं, बड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं ना, तो बच्चों को भी हम एक छोटी छोटी क्वांटिटी में दे सकते हैं। और ये बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद आते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और सर्दियों में आप तो बहुत हर कोई लड्डू बनाता ही है क्योंकि लड्डू हेल्दी होते हैं, तो आप इस तरह के लड्डू ट्राई कीजिए। और मखाना तो बहुत बेनिफिट देता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी। लड्डू मैं पूरे बना लूँगी, अभी मैंने आपको बताया मैं एक हाथ से दो छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। आपको जिस तरह बनाना आते उस तरह बनाइए, या पाउडर फाइन पाउडर भी आप खा सकते हैं, या लड्डू बना लीजिए। मैंने लड्डू पूरे रेडी कर लिए हैं, मेरे लड्डू बन के रेडी हो गए। मैंने पूरे लड्डू रेडी कर लिए, थोड़े ही मैंने इसमें डिश आउट किए हैं क्योंकि वह बहुत सारे बने हैं, क्योंकि मैंने सब चीज़ें आधा आधा किलो से बनाई है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस सर्दियों में ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो व्यूवर्स मुझे सपोर्ट कीजिए आप, और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी अगर आप खाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बोलिए, मैं ज़रूर आपके लिए वो रेसिपी बनाऊँगी। बाय बाय।